हेलो फ्रेंड्स, सेल्स एंड मार्केटिंग पार्ट 3 में आपका स्वागत है। और आज हम लोग देखने वाले हैं लीड्स के बारे में कि लीड्स किस तरह से निकालना है, राइट, जनरेट करना है। पार्ट 1 और 2 में हमने सेल्स के बारे में देखा था, अब हमें लीड्स के बारे में देखेंगे। लेकिन उससे पहले हमें सफल कॉल कैलकुलेशन चार्ट के बारे में समझना है। आप डिसाइड करो कि आपको एनुअल डिजायर्ड इनकम कितनी चाहिए, राइट। और ये मैंने मेरे एक स्टाफ के लिए बनाया था, उसने मुझे बताया था कि सलमान सर मुझे 10 लाख रुपए चाहिए सफल से, तो उस टाइम पे मैंने ये चार्ट दिया था। और ये चार्ट हर जगह पर हर बिज़नेस के लिए एप्लीकेबल है। तो 10 लाख रुपए अगर आपको चाहिए एक साल का, राइट, आप देखो मैं ये गाड़ी लेना चाहती हूँ, या मैं ये आईफोन लेना चाहती हूँ, या फिर मैं प्रॉपर्टी में डालना चाहता हूँ पैसे, या फिर मैं सोने में डालना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे उतने पैसे लगेंगे। और वो कितने पैसे चाहिए मुझे आने वाले 12 महीने में, उससे मेरी एनुअल डिजायर्ड इनकम निकल कर आ गई। और ये निकल कर आई है 10 लाख। और ये मेरे ऑफिस में एक लड़की काम करती थी, उसकी शादी होने वाली थी, उसने सारे खर्चे खुद किए और उसने ये प्लान बनाया था, और उसके बाद उसने ये इनकम जनरेट की, राइट। तो 10 लाख रुपए साल के चाहिए। और ये पैसे कैसे आएंगे, सेल्स में हमें कमीशन मिलता है, तो हमने पकड़ लिया। अब हम देखते हैं हमारा कमीशन पर सेल कितना है। तो कमीशन अगर हम 10% निकाल रहे हैं तो 10% लिखेंगे, 5% है तो 5% लिखेंगे, 1% है तो 1% लिखेंगे। तो डिवाइड कमीशन पर सेल 10% हो गया हमारा, ठीक है। तो 10% अगर हमें कमीशन मिल रहा है और 10 लाख के लिए, फिर हमें 10% के हिसाब से बिज़नेस कितना करना होगा। तो हमें बिज़नेस करना है 1 crore का। तो 1 crore का अगर हम बिज़नेस करते हैं, 10% हमारा कमीशन आता है, तो 10 लाख हमारे एक साल में आ जाएंगे। अब मुद्दा आता है कि 1 crore के बिज़नेस के लिए हमें कितना सेल करना पड़ेगा। उस टाइम पे हमारा बिज़नेस कोचिंग जो था वो था 2.5 लाख रुपए, और ये है बात 2017 की। 2017 में हम लोग 2.5 लाख रुपए चार्ज कर रहे थे, आई थिंक 2016-17 की बात है। और उसके बाद से फिर हमारा प्राइस जो था धीरे धीरे बढ़ने लगा, और काफ़ी सारे प्रोग्राम लाए जो हम प्रीमियम प्राइस पे सेल करने लगे। तो 2.5 लाख का अगर हम प्राइस पकड़ते हैं उस टाइम के हिसाब से, तो हमें कितने सेल करना पड़ेंगे। तो नंबर ऑफ सेल जो हमें करना पड़ेंगे वो थे 40। तो मैंने उसे बताया कि साल भर में अगर आपने 40 सफल के कोर्सेज सेल कर दिए, 40 कंपनीज को क्लोज कर दिया, तो उससे आपका 2.5 लाख के हिसाब से आपका 1 crore का टर्नओवर हो जाएगा। और 1 crore कंपनी में अगर आता है तो वहां पर आपका 10 लाख आराम से आ जाएगा, राइट। अब हम देखते हैं हमारे को अपॉइंटमेंट कितने लेना पड़ेंगे 40 कंपनी को। अगर हम 40 लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, तो 40 के 40 तो कंपनी क्लोज होने वाली नहीं है, राइट। कुछ लोग अपॉइंटमेंट टाइम देकर भी शायद हमारी मीटिंग हो नहीं पाएगी टाइम पे, या कुछ लोग बोलेंगे 2 महीने बाद करेंगे, 3 महीने बाद करेंगे, अगले साल करेंगे, राइट। तो हम 40 लोगों को क्लोज मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, तो 40 के 40 क्लोज नहीं होंगे। लेकिन अगर हम 80-20 प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो 100% हमें रिजल्ट मिलेगा। हमारा कन्वर्जन उससे कहीं अच्छा था, मतलब हम 10 में मिल रहे हैं तो 2 क्लोज होना चाहिए, लेकिन हमारा कन्वर्जन उससे भी अच्छा था, लेकिन फिर भी हमने 80-20 रूल पकड़ा ताकि हम फेल नहीं होना चाहिए। तो नंबर ऑफ अपॉइंटमेंट हमारे 200 होना चाहिए। अगर 200 से मिलेंगे तो 40 हमारी कंपनी आराम से क्लोज हो जाएंगी। तो फेस टू फेस 200 लोगों को प्रेजेंटेशन देना है, 200 कंपनीज में प्रेजेंटेशन देना है, राइट। अब 200 कंपनी में प्रेजेंटेशन देना है तो 200 कंपनी के जो हमने इनसे हमें अपॉइंटमेंट फिक्स करना पड़ेगा, टेलीफोन से कॉलिंग करना पड़ेगा, HR से बात करना पड़ेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे कॉल हमारे लाइनअप हो जाएँ, ज़रूरी नहीं है सारे कॉल लग जाएँ। तो अगेन हमें डेटाबेस पे फोकस करना पड़ेगा, कितना डेटाबेस हमें जनरेट करना है। और वहाँ पर हमें समझ में आया कि हमें 1000 का डेटाबेस निकालना है अगर हम 80-20 रूल फॉलो करते हैं। जस्ट डायल इंडिया मार्ट से आपको डेटाबेस मिल जाता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है। आपके प्रीमियम टारगेट ऑडियंस आपने देख लिया, उनका टर्नओवर कितना है, तो उस तरह का डेटाबेस आपने जनरेट कर लिया। 1000 कंपनीज हमने सर्च की, और 1000 कंपनीज में जब कॉलिंग करेंगे 200 अपॉइंटमेंट हमारे हो जाएंगे फेस टू फेस। उसमें 500-600-800 मिलेंगे, लाइनअप होंगे, लेकिन जब हम देखेंगे तो 200 तो फेस टू फेस हो ही जाएंगे, राइट। अब हमारे पास नंबर ऑफ डेज कितने हैं, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 365 दिन में 65 डेज हमने छुट्टी के निकाल दिए, फिर भी हमारे पास 300 दिन बचते हैं। अब हमें क्या करना है, कॉल पर डे, मतलब 25 कॉल भी अगर हमने दिन के किए डेली, और तो हम 1000 कॉल आराम से कंप्लीट कर लेंगे कुछ ही महीनों में, राइट। और अगर हम डेली के 4 अपॉइंटमेंट लेते हैं, प्रेजेंटेशन लेते हैं, तो जो हमारा साल भर का टारगेट था 40 कंपनी को, 200 कंपनी को 1-to-1 फेस टू फेस प्रेजेंटेशन देना, वो आराम से कुछ ही महीनों में अचीव हो जाएगा, 365 दिन की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इससे आपको क्या पता चलता है, अपना मैथमेटिक्स क्लियर करिए, अपनी इनकम को डिवाइड कीजिए कमीशन के हिसाब से, और फिर टर्नओवर कितना करना है, और उसके हिसाब से मिलना शुरू करिए।
रिजल्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा आपके पास, ठीक है। मैथमेटिक्स क्लियर नहीं रहती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है। अब इसके बाद आता है हमारा टारगेट ऑडियंस, हम जिस कस्टमर को टारगेट कर रहे हैं वो कौन है, राइट। उसके बाद फिर हम लीड जनरेशन पे फोकस करेंगे। तो टारगेट ऑडियंस के लिए हमें क्या करना है, हमें देखना है उनका एज क्या है, किस एज ग्रुप के लोगों को हम टारगेट कर रहे हैं, टर्नओवर क्या है। इस तरह से आप क्या करोगे, अपने टारगेट ऑडियंस को डिफाइन करो, पूरा प्रोफाइल निकालो उनका। जैसे मैं अभी लॉकडाउन में काम कर रहा था तो मैं किसके लिए काम कर रहा था, मैं एसएमई सेगमेंट के लिए काम कर रहा था। कौन से बिजनेस ओनर्स के हैं जो मेरे क्लाइंट हैं, वो बिजनेस ओनर जिनका टर्नओवर 5 crore एंड अबव है, क्योंकि अगर हम 2.5 lakh का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो उस कंपनी को नहीं बेच सकते जो साल का 10 lakh का टर्नओवर कर रही है, क्योंकि उसके पास तो उतना अमाउंट होगा नहीं, दे नहीं पाएगा। अगर हम चेक निकाल भी लेंगे तो हो सकता है हमारा चेक बाउंसेस हो जाए। तो हमें राइट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है, राइट टारगेट ऑडियंस को, तो कस्टमर प्रोफाइल डिफाइन करना जरूरी है, राइट। कस्टमर प्रोफाइल आपने डिफाइन कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, लीड जनरेशन की तरफ जाते हो। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे स्मॉल मीडियम बिजनेस ओनर्स को हमको टारगेट करना है, ट्रेनर या कोचेज हो गए जिनके साथ हम लॉकडाउन में काम कर रहे थे, छोटे प्रोडक्ट लेकर आए थे, तो अपना क्रिस्टल क्लियर टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करो। उसके बाद आता है लीड जनरेशन, राइट। लीड का मतलब क्या होता है, वो इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनाइजेशन जिनको आपके प्रोडक्ट में रुचि या इंटरेस्ट है, उनको खोजना, उनका डेटाबेस जनरेट करना, राइट। तो ये मैंने अभी बताया आपको, इंडिया मार्ट और जलजल से मिल जाता है डेटा आपको, और बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से मिल जाएगा आपको, राइट। अब एक पार्ट होता है लीड जनरेट करना और दूसरा होता है लीड को नर्चर करना। डेटा जनरेट कर लिया, 100 लोगों से जब आप मिलोगे तो 100 में से 20 क्लोज हो गए, 80 जो रह गए हैं उनको नर्चर करना पड़ेगा, खाद पानी डालना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, उनको आप कुछ वैल्यूएबल कंटेंट भेजोगे, अपने वीडियोस भेजोगे, टेस्टिमोनियल्स भेजोगे, ताकि उनको गर्म कर सको, और वो जब गर्म होंगे तो कुछ महीने में वो लोग जो थे 80, उनमें से भी क्लोजिंग आएगी आपकी, राइट। अब आता है हमारा डेटाबेस जनरेट करने के दो ऑप्शन हमारे पास, दो तरह के लोग हैं हमारे पास, ग्रुप्स हैं। एक है हमारा नोन ग्रुप और दूसरा है अननोन ग्रुप। नोन ग्रुप वो है जिन लोगों को हम जानते हैं, जिनका डेटाबेस हमारे पास मोबाइल में है, तो ऐसे 1000-2000 मुश्किल से लोग मिल जाएंगे हमारे को, ये नोन ग्रुप है। और अननोन पूरा हिंदुस्तान, पूरी दुनिया है, बहुत बड़ा टेरिटरी है, बहुत बड़ा मतलब मार्केट है। हम फोकस क्या करते हैं, हम नोन ग्रुप में काम करने के चक्कर में जाते हैं, और यहाँ से ये लोग हमारे जान पहचान के लोग जल्दी हमारा प्रोडक्ट खरीदते नहीं हैं, ऑब्जेक्शन ज़्यादा मिलते हैं हमारे को, राइट। तो आपको जो मेजर सक्सेस आएगी वो अननोन ग्रुप में आएगी। तो आपको स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोगों के डेटाबेस जनरेट करना और उनके साथ काम करना, क्योंकि वहाँ से जल्दी ग्रोथ आएगी, वो जल्दी खरीदेंगे कंपेयर टू आपके नोन लोगों से, राइट। और अगर आप नोन ग्रुप में जाना चाहते हो तो आपके पास एक फ्रेंड लिस्ट है जो MLM में अक्सर लोग फॉलो करते हैं। इसमें F फॉर फ्रेंड, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उनकी लिस्ट बनाओ, R मतलब रिलेटिव की लिस्ट बनाओ, और I मतलब इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स की लिस्ट बनाइए जिनके साथ आप पढ़ाई करते थे, और एम्प्लॉय की लिस्ट बनाओ, अपने पड़ोसियों की, नेबर की लिस्ट बनाओ, डेडिकेटेड कुछ खास लोगों की लिस्ट बनाओ, जैसे डॉक्टर्स हो गए, प्रोफेशनल्स हो गए, इस तरह की लिस्ट हो गए। और लास्ट आता है आपका S यानी स्ट्रेंजर, अजनबियों की लिस्ट, जिनसे आप कहीं पे किसी सेमिनार में टकराए हो, कहीं पे आपका किसी नेटवर्किंग में आपसे उनकी मुलाकात हुई है, ये स्ट्रेंजर्स आसानी से और बहुत बड़ा बिजनेस आएगा आपके पास, राइट। और अगर आप क्लाइंट बेस देखोगे अपना, तो ये सब एक ज़माने में आपके लिए स्ट्रेंजर थे, आज वो आपके अच्छे क्लाइंट हैं, आपके अच्छे बडीज बन चुके हैं, दोस्त बन चुके हैं, कम्युनिटी मेंबर बन चुके हैं, लेकिन ये सब अजनबियों से धंधा आया है, राइट। तो ये सारा लिस्ट बनाएंगे जब, तो हमारे पास बहुत सारा डेटा जनरेट हो जाएगा। और इसमें सबसे पहले किसको टारगेट करना है, तो सबसे पहले टारगेट करना है स्ट्रेंजर्स, अजनबियों को। और जब अजनबियों का डेटा ख़त्म होने लगता है तब हम जाएंगे एम्प्लॉयज़ की लिस्ट पे, उन एम्प्लॉयज़ के साथ जिनके साथ हमने काम किया है, राइट। उसके बाद हम जाएंगे डेडिकेटेड पर्सन, जो खास लोग हैं, जो डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनके पास जाएंगे। इसके बाद हम फ्रेंड लिस्ट पे काम करेंगे, इसके बाद हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेंड्स पे काम करेंगे, नेबर्स पे उसके बाद जाएंगे, और सबसे लास्ट में रिलेटिव के पास जाना है, राइट। रिश्तेदारों को सबसे लास्ट में इनको अप्रोच करना है। तो ये सिस्टम फॉलो करना है। मार्केटिंग का मतलब होता है अटेंशन खींचना, लोगों का अटेंशन खींचना। मुझे याद है मैं कैनॉट प्लेस गया हुआ था, और उससे जाने से पहले, दिल्ली से जाने से पहले, मैं कुछ क्लाइंट से उनको अप्रोच कर रहा था, कॉल वगैरह लगा रहा था, लेकिन मेरी बात नहीं हो पा रही थी उन लोगों से, और मुझे मीटिंग फिक्स करना थी, मतलब चलो यहाँ से कुछ ट्रिप में कुछ और अच्छी मीटिंग्स हो जाएगी, लेकिन मेरा कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था। तो जब मैं दिल्ली गया, पहाड़गंज पर रुका स्टेशन के पास, न्यू दिल्ली के पास, और वहाँ से CP करीब है, वहाँ चला गया रात में मैं, और मैंने, मेरी वाइफ भी साथ में थी, तो वहाँ पर आपको पता होगा फायर पान है, मैंने वो खाया, और वहाँ पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया, और मैंने वो वीडियो को सर्कुलेट किया कई सारे ग्रुप में, दिल्ली के ग्रुप में, तो वीडियो मेरा वायरल हुआ वहाँ पर।
फिर एक लेडी थी वहाँ पर और वो फंड रेजिंग के लिए कुछ गाने गा रही थी, कैंसर पेशेंट थी, और उसने देखा मैंने, मैं गया, मैं आपके लिए कुछ करना कर सकता हूँ? बोले क्या करना चाहते हैं? मतलब मैं आपके लिए गाना गाना चाहता हूँ और मैं आपको 2000 रुपये चैरिटी भी देना चाहता हूँ और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो बहुत खुश हो गई, तो मैंने 2000 रुपये उसको कैश दिया और फिर मैंने उसके लिए गाना गाया, जाने वालों ज़रा देखो, मुड़ के देखो ज़रा, और ज़बरदस्त अच्छा, मतलब अच्छा एक समा बन गया वहाँ पर, और जो लोग थे वो भी देखने लगे सारी चीज़ें। फिर उस लेडी ने फ़ोन पे, मतलब माइक पे अनाउंस किया, कोच सलमान खान मुंबई से आए हैं और अपनी हार्ड अर्न मनी से उन्होंने मुझे पैसे दिए वो मेरी बीमारी के लिए। और ये सब जब बातें की तो लोगों को लगा पता नहीं कौन सलमान खान के कोच आ गया क्या है, लोग पूछने लगे। तो मैंने कहा भाई मैं सलमान खान का कोच नहीं हूँ, मैं बिज़नेस कोच हूँ, बिज़नेस कंसल्टिंग करता हूँ, मुंबई में रहता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे लोग जो थे वो मेरे से कनेक्ट हुए, लोगों से जान पहचान हुई मेरी, और ये पूरा कार्यक्रम मेरी वाइफ मोबाइल में रिकॉर्ड कर रही थी। आप मेरे फेसबुक पेज कोच सलमान खान पर जाओगे तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा आपको, राइट, जहाँ पे मैंने ये सब एक्टिविटी की थी और ये वीडियो शेयर किया। ये शेयर करने के चक्कर में जो बंदों से मैं मिलना चाह रहा था, कॉन्टैक्ट करना चाह रहा था, कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा था, उन्हीं लोगों का मेरे को रात में मैसेज आया, कॉल आया, सलमान भाई दिल्ली आए हुए हैं तो मुलाकात करते हैं। और नेक्स्ट डे वो लोग मुझे मिले और मैं वहाँ से 2.5-2.5 लाख के चेक लेकर आया, और नेक्स्ट डे जब वो मिले मुझे मैंने वो डील को क्रैक किया। मैं ये बता रहा हूँ अटेंशन का मतलब, मार्केटिंग का मतलब आप सामने वाले का ध्यान किस तरह से खींचते हो, राइट। तो आपको ध्यान खींचना है ताकि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें, और वीडियो बहुत ज़बरदस्त टूल है जहाँ से आप मार्केटिंग में इसका बेनिफिट ले सकते हो। एक कॉन्सेप्ट है जो मैंने सीखा था, माइक्रो वीडियो, राइट। और ये कॉन्सेप्ट जो मुझे बताया गया था कि टारगेट 3, 15, 60, 7, 20, मतलब हफ्ते के 3 वीडियो डालो आप, सॉरी डेली के 3 वीडियो, हफ्ते में 15 वीडियो, महीने के 60 वीडियो और साल के 720 वीडियो आपके जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँगा आप 100 डेज चैलेंज लो और डेली वीडियो डालना शुरू करो, राइट। वीडियो बहुत पावरफुल टूल है और इसमें आपको करना क्या है, पहले अपना निश आइडेंटिफाई करो, मतलब आप निश आइडेंटिफाई करने का, फिर अपना माइक्रो निश आइडेंटिफाई करो। अब बिजनेस कोचिंग में बहुत सारे, ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं। अब मैं मेरी बात करूँ तो मैंने माइंड के ऊपर ट्रेनिंग ली है, मैंने NLP सीखा हुआ है, मैंने टाइम मैनेजमेंट, गोल सेटिंग, बिजनेस कंसल्टिंग, ऐसे बहुत सारे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने, लेकिन मैं सिर्फ बिजनेस कोचिंग करता हूँ, मैं ये मेरा सब्जेक्ट है। और बिजनेस कोचिंग में हमारा सबसे बड़ा USP किस में है, सेल्स में, कि आपका धंधा कैसे बढ़ेगा, सेल्स एंड मार्केटिंग, ये मेरा USP है। अगर देखें तो आपको निश आइडेंटिफाई करनी है, करना है आपको GP जनरल प्रैक्टिशनर नहीं बनना है, आपको क्या बनना है, आपको एक्सपर्ट बनना है। तो आपका निश है जिम ट्रेनर हो आप, लेकिन जिम में आपका माइक्रो निश क्या है, आपकी स्पेशलिटी क्या है, आप एप्स ट्रेनर हो, आप एप्स के ऊपर काम कर रहे हो। आपका निश है डिजिटल मार्केटिंग, राइट, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग किसके लिए कर रहे हो आप, आपकी एक्सपर्टीज किस में है, डिजिटल मार्केटिंग फॉर फर्नीचर बिजनेस, फर्नीचर बिजनेस के आपके शोरूम किस तरह से भरे रह सकते हैं, मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। आपका निश है क्रिकेट के कोचिंग कर रहे हो, क्रिकेटर्स को कोच कर रहे हो आप, लेकिन उसमें आपका फास्ट बॉलिंग आपका निश है, फास्ट बॉलिंग कैसे फेंकना है, रिवर्स इन स्विंग कैसे करना है, राइट। तो माइक्रो निश क्यों जरूरी है अपना, वो इसलिए ताकि हम मार्केट को डोमिनेट कर सकें, राइट। और जब हमें निश मालूम पड़ गया उसके बाद हमें क्या करना है, हमें YouTube पे जाना है और अपने कॉम्पिटिटर को देखना है, 3 कॉम्पिटिटर आइडेंटिफाई करना है हमारे को, वो लोग क्या कर रहे हैं, और उसके बाद फिर हमको नॉलेज मिलेगी, ज्ञान मिलेगी, और वो ज्ञान लेकर हम लोगों के सामने आएंगे और लोगों के सामने प्रेजेंट करेंगे, राइट। और उसको करने के लिए हमें क्या करना है, 3 आपके जो इंडस्ट्री के जो 3 जेंट्स हैं उनको फॉलो करना शुरू कर दो अभी से, और वो लोग क्या क्या कर रहे हैं तो वहाँ से आपको आइडिया मिल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना एक इंट्रोडक्शन वीडियो बनाना है, पहला स्टार्टिंग में जो रहेगा 30 सेकेंड का, जहाँ पर आपकी स्टोरी आएगी, इसमें आपका नाम आएगा, फैमिली आएगी, स्किल्स आएगा, अचीवमेंट्स आएगा, विजन्स आएंगे, राइट। तो नेम में किस तरह से आएगा, जैसे मैं बोलता हूँ I am Coach Salman Khan, तो आई एम कोच सलमान खान, फैमिली के बारे में बताता हूँ, फादर ऑफ सन, हस्बैंड ऑफ लवली वाइफ, राइट। तो फादर ऑफ सन, हस्बैंड ऑफ लवली वाइफ हो गया। स्किल्स में मैं क्या बात करता हूँ, प्रोफेसर टर्न्ड बिजनेस कोच, मैं पहले प्रोफेसर था अभी मैं बिजनेस कोच बन चुका हूँ। फिर मेरे अचीवमेंट्स आते हैं, स्किल्स आ गया मेरा, स्किल्स क्या आ गया मेरा, प्रोफेसर टर्न बिजनेस कोच। फिर मेरे अचीवमेंट्स आएंगे, एक्स कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन, वर्क एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड कॉलेज, फाउंडर मेंबर ऑफ AES NGO एंड मुस्तफ़ा इंग्लिश स्कूल, नाउ चेयरमैन एंड चीफ मेंटर ऑफ सफल ट्रांसफॉर्मेशन। इन लास्ट सिक्स ईयर वर्क विद 250+ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज देयर सेल्स बाई 20-200%, ऑल्सो टच लाइफ ऑफ 2 lakh+ इंडिविजुअल अक्रॉस द कंट्री। ये मेरा अचीवमेंट्स आ गया। विजन में मैं क्या बात करता हूँ, आई एम ऑन ए मिशन टू ट्रांसफॉर्म 10 crore individual इन कमिंग 10 ईयर्स।
तो इस तरह से आप अपना हीरो इंट्रोडक्शन बनाओ और ये आपका 30 सेकंड के अंदर खत्म हो जाना चाहिए, 30 या उससे कम में खत्म हो जाना चाहिए। तो मैं जब बोलता हूँ तो कैसे बोलता हूँ, आई एम कोच सलमान खान, फादर ऑफ सन, हस्बैंड ऑफ लवली वाइफ, ए प्रोफेसर टर्न बिजनेस कोच, एक्स कोर्स कोऑर्डिनेटर ऑफ एपटेक कंप्यूटर एजुकेशन, वर्क एज प्रोफेसर एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट मुंबई यूनिवर्सिटी एफिलेटेड कॉलेज, फाउंडर मेंबर ऑफ AES NGO मुस्तफा एंगी स्कूल, नाउ चेयरमैन एंड चीफ मेंटर ऑफ सफल ट्रांसफॉर्मेशन, इन लास्ट 6 ईयर वर्क विद 250 प्लस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज देयर सेल्स बाय 20 to 200%, ऑल्सो टच लाइफ ऑफ 2 लाख प्लस इंडिविजुअल अक्रॉस द कंट्री, आई एम ऑन अ मिशन टू ट्रांसफॉर्म 10 करोड़ इंडिविजुअल्स इन कमिंग 10 ईयर। ये आपका हीरो इंट्रोडक्शन हो गया। ये सब क्यों बोलना है, क्योंकि लोग आपसे इमोशनली कनेक्ट होते हैं। उसके बाद आप क्या करोगे, आप XY फॉर्मेट में एक्सप्लेन करोगे, आप अपनी बात शुरू करोगे। लोगों के बहुत सारे बिलीफ होते हैं और वो रॉन्ग बिलीफ होते हैं, झूठे बिलीफ होते हैं कि हम वजन कम नहीं कर सकता बिना खाना खाए छोड़े, और मैं इतने 30 दिन में अपना धंधा नहीं बढ़ा सकता, बिना पैसे के धंधा नहीं होता है। ये सारे मिथ हैं, उनके रॉन्ग बिलीफ है जिसको आप चैलेंज करते हो, राइट। और आप कैसे करोगे, XY, तो X में आप बोलते हो गोल फॉर क्लाइंट, क्लाइंट का गोल क्या है कि मेरे को 2 किलो वजन कम करना है 30 दिन में, मेरे को 20% सेल बढ़ाना है 30 दिन में, तो ये गोल हो गया। तो मेरे को धंधा सेल बढ़ाना है, मेरे को वजन कम करना है, ये गोल हो गया। टाइम पीरियड आ गया 30 दिन में, Y आ गया 30 दिन में, और Z स्टेप्स आ गया, राइट। यूजिंग गोरिल्ला स्ट्रेटजी आप 30 दिन में अपने धंधे को 20% बढ़ा सकते हो। जस्ट यूजिंग वाटर, आप पावर के वाटर की पावर से अपना वजन जो है 2 किलो कम कर सकते हो, राइट। तो इस तरह आप क्या कर रहे हो, आप अपना चीजें बता रहे हो सामने वाले को XYZ फॉर्मेट में, और ये आप उसको बता रहे हो। अगर आप जानना चाहते हो तो कॉल अभी तुरंत नीचे दिए हुए नंबर पे कॉल कीजिए, मैं आपको फ्री कंसल्टिंग दूंगा आधे घंटे की। इससे क्या करो, आप लीड जनरेट कर रहे हो, सामने वाला कॉल करेगा, जब वो कॉल करेगा आधे घंटे में, वहां पर आप उसको डायग्नोस करके आके आपके पास अपॉर्चुनिटी है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। तो वीडियो के माध्यम से आप बहुत सारा बिजनेस जनरेट कर सकते हो, राइट। आई होप ये सारी चीज़ आपको पसंद आई होगी और अब आपको इस पर एक्शन लेना है, राइट। और इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए, बहुत सिंपल टूल। अभी मेरा ये पहला प्रोग्राम है, मैं डायरेक्ट मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर के थ्रू, राइट। आपको काम करने के लिए एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं, परफेक्ट बनने के लिए जरूरत नहीं है। मैं हम लोग ऑफलाइन में लेते थे, लेकिन हमारा पहला प्रोग्राम रिकॉर्डेड प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं, हम जस्ट लॉन्च कर रहे हैं, और ये चीज़ें आपके लिए वैल्यूएबल हैं मुझे लग रहा है, और इससे आपके बिजनेस में फ़र्क पड़ेगा। लेकिन इसका वर्जन 2 निकलेगा, वो फीडबैक मुझे आप दोगे और बेटर कैसे करना है उसको, फिर मैं और बेटर करूंगा, और इम्प्रूव करूंगा। तो मेरा बोलना है जस्ट डू इट नाउ, जो भी चीज़ें मैंने बताई उसको इम्प्लीमेंट करो और एक्शन लो। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।